ओम शांति। मन को कंट्रोल करना हमारी एक बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है। संसार में पहले हम सुनते थे, जो मनुष्य अपने मन को कंट्रोल कर लेता है वो तो हवा को भी रोकने में समर्थ हो जाता है। बाबा ने भी कहा है, हम सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की प्रैक्टिस करें तो अंत में हम कर्मातीत हो जाएंगे। हम इसकी निरंतर प्रैक्टिस करें। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, इस स्वमान की सीट पर बैठ जाएं और जस्ट ये गुड फीलिंग करें कि मैं मन की मालिक हूँ, तो मन हमारे आदेश का पालन करने लगेगा। आखिर इस मन को हमें ठीक दिशा में तो लाना ही है, तो हम प्रैक्टिस करते रहें, इसकी रुचि व्यर्थ की ओर न हो। व्यर्थ में मन बहुत भागता है, बहुत भटकता है। व्यर्थ में रुचि, व्यर्थ सोचने की आदत, इधर उधर की तृष्णाएं और इच्छाएं, देहधारियों के प्रति लगाव, संसार से बहुत कुछ पाना, मनुष्यों से बहुत कुछ कामनाएं, विषय वासनाएं, ये मनुष्य के मन को भटकाती हैं। ज्यादा भटकाया है विषय वासनाओं ने, काम ने, क्रोध ने, अहंकार ने, लोभ ने, मोह ने, ईर्ष्या द्वेष ने, बदले की भावना ने। जितना जितना हम इनको छोड़ते चलेंगे, ये मन स्वतः ही धीमी गति से चलेगा। और दूसरी प्रैक्टिस करें निगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की। कोई ऐसी चिंता वाली बात हमारे सामने आ जाती है तो मनुष्य बहुत निगेटिव सोचने लगता है, पता नहीं क्या होगा, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन हम सदा यही सोचें, स्वयं भगवान मेरे साथ है, मेरा श्रेष्ठ भाग्य भी मेरे साथ है, मेरे पुण्य कर्म भी मेरे साथ हैं, और मैं स्वयं भी बहुत महान हूँ, तो मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा ही होगा। ऐसे संकल्पों से अपने निगेटिव को पॉजिटिव में बदलते चलें और मन की स्पीड हमारी धीमी होती चले। जितनी संकल्पों की स्पीड हमारी सतयुग में थी, 8-10 थॉट्स पर मिनट, वैसी स्पीड यदि नेचुरल रूप से हमारी रहने लगे तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाना अति सरल हो जाएगा। और इस स्पीड को डाउन करने के लिए हमें 3-4 प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। उनमें पहली प्रैक्टिस है स्वमान की, दूसरी प्रैक्टिस है शरीरी होने की, तीसरी प्रैक्टिस है आत्मिक दृष्टि की, और चौथी प्रैक्टिस है हमें एक विशेष महान लक्ष्य को जीवन में साथ लेकर चलें, एक विशेष पुरुषार्थ में सदा लगे रहें, तो निगेटिव संकल्प स्वतः ही समाप्त होते रहेंगे। स्वमान की कोई ना कोई प्रैक्टिस प्रतिदिन प्रति समय चलती ही रहे। आप देखेंगे जब आत्मिक दृष्टि का अभ्यास होगा तो अनेक व्यर्थ संकल्प स्वतः ही बंद रहेंगे। जैसे जैसे बीच बीच में हम अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा अलग, ये देह बिल्कुल अलग, वैसे वैसे संकल्पों की स्पीड डाउन होती चली जाएगी। हम ये निरंतर साधना करें, क्योंकि मन को साध लेना ये बिना साधनाओं के संभव नहीं होगा, और मन को साधे बिना हम सेकंड में फुल स्टॉप नहीं लगा सकेंगे, और सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वालों के पास ही अत्यधिक साइलेंस पावर होती है, और ये साइलेंस पावर आगे चलकर बहुत काम आएगी। अभी तो समय आ रहा है महाकाल का, जिन्होंने बहुत अच्छी साधना की है, जो स्वराज्य अधिकारी बने हैं, उन्हें पता चलेगा उनके पास कितनी शक्तियां हैं, जब प्रकृति भी उनका आदेश मानेगी, जब उन्हें ऐसा लगेगा कि विनाश की घटनाओं को भी वो अपनी इच्छानुसार दिशा दे सकते हैं। तो आइए हम मन की स्पीड को स्लो डाउन करें और एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर परमधाम में बाबा के साथ स्थित हो जाया करें। तो आज सारा दिन अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ और स्वराज्य अधिकारी हूँ,
मैं इस देह से न्यारी हूँ आत्मा, अपने तेजस्वी स्वरूप को देखते हुए चलेंगे परम धाम की ओर और बैठ जाएंगे बाबा की वाइब्रेशंस में। फिर सेकंड में अभ्यास करेंगे, बस मैं ऊपर हूँ बाबा के साथ, बाबा के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इससे मन पर बहुत अच्छा कंट्रोल होता जाएगा। ओम शांति।